मेरठ के पुलिस विभाग में चल रही यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के लिए शिक्षक प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान पुलिस ने फर्जी तरीके से भर्ती हो रहे एक युवक को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच युवक से पूछताछ कर रही है। बताया गया है कि आरोपी युवक ने अन्य युवकों के लिखित परीक्षा देने के लिए पैसे देकर हायर किया था। सर, आज एक भर्ती में कुछ एक सेंधमारी सामने आई है, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से पकड़ में आया है? एक लड़का है, इसका नाम अनूप कुमार है, औरंगाबाद का रहने वाला है, बिहार का। इसने बनारस से परीक्षा दी थी 28 जनवरी को। जब यहाँ आया DVPSC के लिए तो इसका बायोमेट्रिक का मिलान नहीं हुआ। तो जब बायोमेट्रिक का मिलान नहीं हुआ तो इसका जो एग्ज़ाम के टाइम का जो इसका फोटो था उससे मैच किया, वो ही मिसमैच हुआ। शक हुआ, इससे पूछताछ हुई तो फिर इसने बताया कि इसकी जगह किसी और ने एग्ज़ाम दिया है। इसको अभी क्राइम ब्रांच पूरे मामले में इंटरोगेट कर रही है और हो सकता है इसके पीछे कोई गैंग भी हो तो वो भी सामने आए। सर, अब तक पहले भी इस तरीके के मामले सामने आए हैं, तो आज ये किस तरीके से पकड़ में आए? आज जब इसका बायोमेट्रिक का मिलान किया गया तो जब बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ तो फोटो मिलाई, वो भी मिसमैच हुई, उस हिसाब से सामने आया, फिर इसका इंट्रोगेशन हुआ तो इसने फिर पूरी बात बताई। तो इस पे कोई कानूनी कार्रवाई? हाँ जी बिल्कुल, इस पे अभी पूछताछ हो रही है, मुकदमा लिख के कार्रवाई की जाएगी।